Yes, good morning to all class. As you know that we have finished our all the chapters whatever है ना जो भी था important था वो हमने solve कर लिया. एक जो था एक बार triangle पर revisit करेंगे और triangle का थोड़ा सा कुछ questions जो है करेंगे. चलो आज हम लोग sample paper कर रहे हैं तो sample paper ही कर लेते हैं. तो let us start. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस सैंपल पेपर है. ये फर्स्ट सैंपल पेपर फर्स्ट है. कह रहा है कि इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ एक्स वाई इक्वल टू 3 देन फाइंड Then find the LCM XY. है ना सारे लोग अपना नोटबुक पे करेंगे है ना. बट जो होता है हम एक एक का आकर के मैं देखूंगा चेक करूंगा हर एक का. सो प्लीज डू नॉट शेयर योर आंसर है ना. और इसी में है और में है दैट इज द डेसिमल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2/1 एंड 5^4 विल टर्मिनेट After how many decimal places. इसमें बहुत सारे जो आंसर जो दे रखे थे हमने जो होता है पेपर में भी शायद दिया था इस टाइप का. सारे बच्चों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डिवाइड दे करके किया था है ना जो कि टाइम कंज्यूमिंग था. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर टू इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल polynomial 3x squared minus kx plus 6 is 3 then find the value of k. क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus y equal to 3 and 6x plus ky equal to 8 doesn't have a solution. ठीक है ना. ये चलो अभी 30 तक 3 क्वेश्चंस करते हो उसके बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ है ना. बस ओनली है ना.
ये 4 मई का जो पेपर स्टार्ट होगा उसके लिए आप लोग तैयारी अभी तक कुछ नहीं किया, यही ये 3 क्वेश्चन का हमें पता चलता है, किसी ने 2 करा किसी ने एक भी नहीं करा, है ना। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स का, और आप लोगों ने कितना मेहनत किया होगा इस पर भी ध्यान दो। देखो इज सेइंग दैट इफ एक्स वाई 180 HCF जो होता है ये दिया हुआ है ना, और LCF, तो अगर किसी ने वीडियो वॉच करा होगा है ना, तो मैंने पहले ही फर्स्ट चैप्टर का जो होता है वीडियो में सारे चीज जो होता है फॉर्मूले पहला मेरा यही काम होता है कि जो भी आपके पास जो चैप्टर जा रहा है उसको इंट्रोडक्शन के साथ फॉर्मूले जाए, है ना। सो आई हैव गिवन बट नो वन केयर इट, सो आई हैव रिक्वेस्ट टू, है ना, अगेन विजिट, है ना, ऑफ दैट वीडियो। देखो यहां पे जो होता है ना बेटा, ये दो, ये एलसीएम है और एचसीएफ है, एलसीएम है और एचसीएफ है, ये दो, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये फॉर्मूला है। जो भी नंबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वॉट एवर, देखो एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का निकालोगे या 2 से कम का भी निकालोगे, नहीं मिनिमम 2 नंबर्स तो होने चाहिए। तो सो इफ यू विल फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एक्स एंड वाई, देन ये फॉर्मूला होता है कि वो दोनों ये रिलेशंस कह लो, है ना, कि दोनों में एलसीएम और एचसीएफ में इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलेशन। सो एक्स वाई वी डोंट नो अबाउट दिस, है ना, बट कहता है देन एलसीएम हमें केवल निकालना है, ठीक है ना। तो देखो एल एक्स इंटू वाई कितना दिया हुआ है 180, एंड एलसीएम हमें निकालना है क्लास, ठीक है ना, इंटू एचसीएफ कितना हो गया 3। अब ये 3 किधर जाएगा, इधर, तो कितना हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 180 अपॉन 3, है ना, 60। तो एलसीएम मेरे से पूछ रहा था 60 हो यहाँ पे। अब ये जो होता है किसी ने फैक्टराइज कर रखा था, किसी ने कुछ कर रखा था, मैं तो देख रखा था सबका कॉपी लगभग, कोई फैक्टराइज करने में लगे हुए कुछ करने में और बोलेगा कि सर टाइम तो खत्म, टाइम मिलता है। देखो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस के बाद जाएंगे, है ना, कितने 1, कैसे 1 के कैसे जाएंगे, क्या नहीं, ये हाईएस्ट पावर देखते हैं किसका है, ये 2 × 5⁴ ये है ना, n और m जितनी, इन दोनों में जो भी हाईएस्ट पावर होगा 2 का हो या 5 का हो, है ना, जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी ना बेटा उतने डेसिमल उतने डिजिट के बाद डेसिमल होगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा, 4, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन करने में लगे हुए थे, कैलकुलेट करो ये करो, जिसकी ये इन दोनों का पेयर जो होता है ना, पेयर में जो 2 × 5 का अगर पेयर हो तो इन दोनों का हम लोग पावर को कंपेयर करते हैं, है ना, तो जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उतने ही डिजिट के बाद क्या होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। नहीं विश्वास है तो आप जो होता है करके देख लेना, और ये आपका यूनिट के पेपर में, ये प्री बोर्ड का जो फर्स्ट हुआ था उसमें भी ये दिया गया था। अगर आप लोगों ने बेईमानी से नहीं ईमानदारी से काम किया होता तो जवाब मिल जाता, लेकिन सारे ने क्या कर रखा है, कैलकुलेट किया, है ना, और डिवाइड किया, उसके बाद में जो होता है आंसर लिखा, तो ये गलत, ठीक है ना। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या होगा हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करना है कि किसकी कितनी डिग्री है। सो क्लास नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहले मैं ऊपर वाले, ये दोनों क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं, किसी को कोई डाउट,
तो बता दें, देखो कहता इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3 है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट हम फाइंड आउट कर। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 ठीक है ना। वैसे ये सॉल्व होने में तो जिसको आता है विद इन 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है, लेकिन चूंकि हमें समझाना है तो थोड़ा सा जो होता है ना हम लॉन्ग प्रोसेस में जाए। तो देखो आपके पास जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए होता है ना। तो देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूं है ना, ये जो दिया हुआ हमें k की वैल्यू चाहिए ना, अगर मैं इसके ये इक्वेशन इससे अगर कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है बताओ ना, माइनस माइनस k अपॉन 3 होगा am I right? Yes, sir. अब देखो माइनस k अपॉन 3 और आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द जीरोज एंड अल्फा एंड बीटा व्हाट इज दिस, अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूं तो व्हाट इज दिस दैट इज द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, सो क्लास विल राइट हियर दैट इज द 3 है ना, 3 इक्वल टू माइनस 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 प्लस के अपॉन 3 और के इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 ठीक है ना, बिल्कुल आता कितना बचा ये जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वाले में लगा दिए होंगे है ना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इस पे देखो इस पे भी k की वैल्यू आता लेकिन ये क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्या दिया हुआ है ना, सम सम दिया हुआ है तो हम लोग सम वाले काम करेंगे ठीक है ना, क्लियर है सबको क्लियर है ये, और इस टाइप का क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस रहेगा आप समझ लो, या तो इस टाइप से निकालने के लिए रहेगा या इस टाइप से निकालने के लिए रहेगा, एक क्वेश्चन समझो कि प्रिंट आउट हो गया आपके सामने क्वेश्चन पेपर में के की वैल्यू निकालने के लिए, अगर ऐसे निकालने के लिए देगा तो वो 2 मार्क्स में देगा, अगर ऐसे निकालने के लिए देगा तो वो 1 मार्क्स में देगा ठीक है ना, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। और इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, इसलिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो भी अभी जितने टाइप करवा रहे हैं उस टाइप के आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस मिलते हैं बुक में मिले बुक से एनसीईआरटी में मिले एनसीईआरटी से आरडी शर्मा मिले आरडी शर्मा से पहले ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 10 प्रैक्टिस कर लो है ना, 10 प्रैक्टिस इतना सुनहरा मौका जो होता है ना और किसी को नहीं मिलता है कि एग्जाम मार्च के बदले जो होता है मई में चला गया ठीक है ना, अभी भी आपके पास तैयारी करने का पूरा पूरा मौका है, 3 से 4 महीना है ना, और मैथ्स सब्जेक्ट आपको तुरंत जो होता है उठा करके ऊपर कर देगा अगर आपने 4 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, बर्थडे और मामा और दादा का शादी छोड़ कर करके, दादा का तो शादी नहीं होगा है ना, मामा का शादी दोस्त का बर्थडे है ना, 4 मंथ है ना, ओनली 4 मंथ है बेटा, आप जो होता है खुद के लिए जीतो है ना, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। चलिए सिर्फ और सिर्फ जो होता है अपने लिए काम करें किसी और के लिए नहीं। चलिए दूसरा जो होता है क्वेश्चन ये इसको रख कर दूं है ना, अब यहां पे जो है अब जो है इस टाइप का भी
सभी क्वेश्चंस एक रहता ही रहता कंडीशंस में। देखो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के है ना द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 6 3x + y = 3 और क्या करता है 6x + ky = 8। एक बार लिख कर होता है हम लोग का जो होता है ये दोनों जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन थोड़ा याद करो ये जो होता है x1 ax1 a1 x + b1 y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 ये होता है। और आपको कंडीशन शायद याद होगा a1 upon a2 ≠ b1 upon b2 ये यूनिक का है किसका है यूनिक और केवल वन सॉल्यूशन ठीक है ना। और a1 upon a2 ≠ b1 upon b2 ≠ c1 upon c2 ये जो होता है किसका है पैरेलल लाइन है ना किसका है पैरेलल लाइन का है जिसका नो सॉल्यूशंस होता है क्या होता है नो सॉल्यूशंस होता है। और ये है a1 upon a2 ≠ b1 upon b2 ≠ c1 upon c2 इसका क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा इतने सारे सॉल्यूशंस होगा एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या होगा ओवर लैप करेगा कंसिडेंट करेगा कंसिडेंट लाइन बनेगा है ना जो आपका है। इसका जो ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी ये है ना जिसको कंसिडेंट लाइन कहते हैं हम लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको बेटा अब हमें क्या पूछ रहा है आप बताओ क्या पूछ रहा है नो सॉल्यूशंस वाला ना देखो नो सॉल्यूशन तो चलो हम लोग जो होता है नो सॉल्यूशंस वाले में ये यहां पे करते हैं a1 upon a2 = 3 upon 6 = b1 upon b2 1 upon k तो ये कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3k = 6 एंड k = कितना हो गया 6 upon 3 = 6 a की वैल्यू कितनी आई 2 नो सॉल्यूशंस के लिए k की वैल्यू हमें कितना होगा 2 है ना। अब देखना जो k की वैल्यू इससे पहले हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाला बच्चे कंफ्यूज हो रहे वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है लीनियर इक्वेशन 2 है ये है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं ना सोच में ये पड़ जाते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि वो वाला है ना k की वैल्यू तो दोनों में निकालनी है तो भाई लीनियर इक्वेशन में जब आपको k की वैल्यू कहे तो ये फॉर्मूला और ये एक क्वेश्चन ये जो तीनों रूल है ना इस पे भी एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है एक क्वेश्चन और गारंटी के साथ रहता है दो नंबर में ठीक है ना दो नंबर में हाँ मेमोरी जो होता है 2 मार्क्स में देता है और ऑप्शनल में अगर 1 मार्क्स में देता है ना तो ऑप्शनल करके देता है। और इस बार जो होता है जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न जो चेंज किया है क्लास उसके बाद में अगर आपके पास नेट इंटरनेट है तो सैंपल पेपर वहां से आप निकाल के ले आना 2021 का ठीक है ना सबके पास रहेगा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बिना आगे क्वेश्चंस रखे हुए सॉल्व नहीं होगा ठीक है ना। सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज ब्रिंग प्रिंट आउट है ना ऑफ दैट सैंपल पेपर उस सैंपल पेपर का आप प्रिंट आउट ले करके आओ और अपने पास रख करके देखो हम जो होता है सॉल्व करवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके क्लास थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।